और इस बीच राजधानी पटना से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। रविवार को पटना में डेंगू के 27 नए मरीज मिले। भूतनाथ इलाका हॉटस्पॉट बन चुका है और एक ही परिवार के 6 लोगों को भर्ती किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 27 नए मरीज राजधानी पटना में फिर से डेंगू के मिले हैं। भूतनाथ इलाका डेंगू का हॉटस्पॉट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 6 लोगों को डेंगू हुआ है और उन्हें इलाजरत रखा गया है, अस्पताल में भर्ती किया गया है। और बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अब विभाग के अपर सचिव या इसके ऊपर रैंक के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि डीआईजी रैंक के नीचे के अधिकारी किसी संदिग्ध लोक सेवक पर आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज नहीं करा सकेंगे। पूरी खबर पर निगरानी विभाग से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जो कार्रवाई होगी उसमें केंद्रीय कार्मिक निदेशालय का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो सरकारी भ्रष्ट लोक सेवक होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के पहले विभाग के अवर सचिव या उसके ऊपर रैंक के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही डीआईजी रैंक से नीचे के अधिकारी किसी संदिग्ध लोक सेवक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17(1) के तहत आय से अधिक संपत्ति का केस अब दर्ज नहीं करा सकेंगे। केस दर्ज करने की अनुमति डीआईजी रैंक तक के अधिकारी ही निर्धारित फॉर्मेट में भर कर लेंगे। अलग अलग रैंक के अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अगला मुकदमा चलाने के लिए डीआईजी रैंक से ऊपर रैंक के यानी डीजीपी या समकक्ष के अधिकारियों की श्रेणी जिम्मेवारी जो है वो सौंपी गई है उनको।